अंतरिम राहत नहीं दी गई, पहली बात। इसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे है, उनकी बेल नहीं हुई, ये दूसरी बात। तीसरी बड़ी बात जो है, विजय नायर, जिसको अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मेरा अपना बेटा है, ये मेरा ही आदमी है, वो के कविता से रुपए मांगता है 100 करोड़, और उसको दिल्ली लाना होता है, ये साउथ ब्लॉक लॉबी है। ये क्या दर्शाता है? अरे के कविता हो या उनका परिवार हो, उनको जनता ने वोट इसलिए दिया था कि वो सेवा करेंगी, और सेवा जब नहीं करी तो जनता ने लताड़ा है, ये चुनाव के परिणाम में भी सामने आया है। ठीक है, जवाब जवाब। ये सारे जितने ठग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये पकड़े जा रहे हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी की यही प्रतिबद्धता। दिल्ली की शराब पॉलिसी, दिल्ली की शराब पॉलिसी तेलंगाना कैसे पहुंच गई? तो वो हम पूछ रहे हैं, इनको ये लोग लिंक लगा रहे हैं ना, तो वो लिंक को एस्टैब्लिश करिए। तो लिंक एस्टैब्लिश हो गया है, तो देखिए देखिए देखिए, अगर अगर होता बेल क्यों नहीं हो रही, तो ये सवाल पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछिए। ठीक है, कृषांक माने जवाब, गौरव भाटिया की बात पूछिए। गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली और बेल क्यों नहीं मिली, सुनिए सुनिए। 100 दिन के बाद, 100 दिन के बाद संजय सिंह को, संजय सिंह को बेल मिला, कुछ मिला उसमें एविडेंस? चलो वो छोड़िए। मनीष सिसोदिया को 15 महीने से नहीं मिला, फिर मनीष सिसोदिया को 15 महीने से नहीं मिला, केजरीवाल को 6 झटके लग चुके हैं कोर्ट से। जिस दिन आपके कविता की बात ने प्रश्न पूछा, आप क्यों एक ही केस में है ना, ये सारे तो एक ही केस में। संजय राउत के इश्यू में आपने एविडेंस नहीं दिखाया, डीके शिव कुमार के इश्यू में आपके ईडी ने एविडेंस नहीं दिखाया, इस मुद्दे पे भी, संजय सिंह पे भी एविडेंस नहीं दिखाया। जिस दिन हम लोग बाहर आएंगे ना, उस दिन भी आप याद रखिए गौरव जी और अमित जी, हम चैलेंज करते हैं, इनके पास कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 करोड़ तो अभी मिले नहीं। अरे देखे ना, हमने हिमंत सुरेन जी को अरेस्ट किया, आपको क्या मिला? हिमंत सुरेन के केस में क्या मिला आपको? एक टीवी और फ्रिज मिला, इसके बलबूते ईडी केस कर रहा है वहां पे। ठीक है, 100 करोड़ एक ही वाजपेयी भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एक ही वाजपेयी कुछ है नहीं। एक सेकंड कुलदीप जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक ही बात पे 30 सेकंड। हाँ जी, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एविडेंस दिखाइए। एविडेंस किसको दिखाया जाता है? एविडेंस कोर्ट को दिखाया जाता है, और रोज दिखा रहे हैं। तो दिखाइए ना, जब जब ये बेल एप्लीकेशन, 14 बार मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन लगी है, हर बार एविडेंस दिखाया और कोर्ट ने हर बार माना। यही के कविता के केस में हो रहा है, हर बार उनको कोर्ट को फाइल पूरी दिखाते हैं कि ये ट्रैकिंग है, ये स्टेटमेंट है, ये अप्रूवर है, ये फला रिकवरी है, ये चैट है, ये गोवा की कन्वर्सेशन, ये सब चीज़ें कोर्ट को दिखा रहे हैं, और उसके बाद ही आपको ना जमानत मिलती है, ना गिरफ्तारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल होती है। और आज क्या हुआ है, सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया, अब सीबीआई भी रिमांड पे लेगी। इसी का नाम इन्वेस्टिगेशन होता है, माई डियर फ्रेंड। इन्वेस्टिगेशन में ही एविडेंस मिलता है। एक को पकड़ा, उससे पूछा, हाँ भाई बता क्या है, उसने बताया, दूसरे से पूछा, बता भाई क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसी को कोर्ट एग्जामिन करता है, और इसके बाद ट्रायल होता है। कुलदीप कुमार वांट्स टू रिस्पोंड, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। कुलदीप कुमार क्या रिस्पोंड करेंगे, कुलदीप कुमार पार्टी की बातें करेंगे? ये फोटो देखिए, ये एक फोटो देखिए, बातें करेंगे। अभी मुंगता रेड्डी का नाम यहाँ पर आया, ममता रेड्डी वही व्यक्ति है, ममता रेड्डी अभी जिनका नाम आया, जिनका आपने बताया कि चैट मिली है, वो ममता रेड्डी कौन है? वो मुक्ता रेड्डी श्रीनिवासु रेड्डी के बेटे हैं, और वो कौन है जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ 6 बार रेड्डी नहीं है, राघव मुक्ता, राघव मुक्ता नाम नहीं लिया, क्या करे जा रहे हो? ये सारे आर्ग्यूमेंट उसके हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़े लिखे आदमियों पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कुलदीप कुमार साफ लिखा हुआ है, ये सब आर्ग्यूमेंट, कुलदीप कुमार एक सेकंड, एक के बाद शांत, कुलदीप कुमार ये सब आर्ग्यूमेंट आपने हाईकोर्ट में लगाए होंगे जब आपने अरेस्ट को चैलेंज किया था, लेकिन राहत तो नहीं मिली ना, ये सब आर्ग्यूमेंट लगाए होंगे ना, फिर हम इस पर डिबेट क्यों करवा रहे हो आप यहाँ पे? बोलिए, नहीं गलत बात है आपकी,
आप जब हमारी बारी आती है आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, आपकी बारी आती है आरोप लगे आरोपी बना देते हो, ये कौन तरीका है, ये निष्पक्ष बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं अभी जब मुक्ता रेड्डी की जो बात आई है, वो मुक्ता रेड्डी तो आप टीडीपी के जो भाजपा का अलायंस है मोदी जी की फोटो लगा के वो चुनाव लड़ रहे, ये देखिए मोदी जी कितनी अच्छी फोटो लगी हुई है यहां पे। तो आज भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए कि इन्होंने क्या षड्यंत्र रख के साउथ की जो लॉबी थी, जो किंग पिंग थे जिसमें शरद चंद्र रेड्डी मुक्ता रेड्डी जैसे लोग थे, वो उन लोगों से ठीक है अब आपने अपनी बात को रखा ना, अब ओके गौरव भाटिया की टर्न है, गौरव भाटिया 20 सेकंड शाब रिबटल। देखिए ये मायने नहीं रखता है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, मायने ये रखता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा। और मैं तीन चार चीजें स्पष्ट कर दूं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा के साथ फोटो, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई के साथ फोटो, ये संवैधानिक ये कुलदीप जी आप 20 सेकंड दीजिए ना गौरव को, आपने इतनी बढ़िया आरोप लगाए, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, अरे मुंगटा रे गौरव मैं अपनी बात पूरी कर लूं, धन्यवाद। तो पहली बात, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने 9 ईडी समन का जब पालन नहीं किया तो ये अपने आप में एक अपराध है और ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इसलिए उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल ने ही ये शराब नीति बनाई है और आप पार्टी के वो कन्वीनर है, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और सबसे बड़ी बात जो अमित जी कही है कि मुख्यमंत्री के लिए और जनता के लिए कानून एक होगा, कानून अलग अलग नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ी खबर है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं आर पार।